हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ एक न्यू रेसिपी जिसका नाम है आटे के पुए। चलिए चलते हैं, अब बनाते हैं हम आटे के पुए, जिसे गुलगुले भी कहते हैं। एक कटोरी आटा लेंगे इस कटोरी के अकॉर्डिंग। दो छोटी कटोरी हम चीनी लेंगे। हम एक कटोरा लेंगे, उसमें हम सबसे पहले चीनी को मिक्स कर लेंगे, जिससे कि हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें एक गिलास पानी लेंगे। पानी में हम चीनी डालेंगे, जो हम मैंने दो कटोरी ली हैं। पहले मैं डेढ़ कटोरी लूंगी। अब इसको मैं अच्छे से घोल लूंगी। मेरी अच्छे से घुल गई है। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके आटे में डालेंगे, जिस बैटर में गुठलियां ना पड़े, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरा अच्छे से बैटर मिक्स हो गया है। अब इसे 5 to 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने रख देंगे। देन उसके बाद हम पुए एंड गुलगुले बनाते हैं। मेरी चीनी ओनली 1.5 कटोरी लगी है। आप अपनी अकॉर्डिंग, टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं। मेरा बैटर रेडी है और इधर कढ़ाई भी ऑयल गर्म हो चुका है। चेक कर लेते हैं कि हमारा ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। हमारा गरम हो गया है। अब इसे हम चम्मच से या अपने हाथ से भी डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बने हैं। ऐसे आप चम्मच से डालें। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाएं, जिससे कि अंदर से कच्चे ना रह जाए। देखिए मेरे पुए बन गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पुए कितने सॉफ्ट। आप छोटे बनाना चाहें छोटे बना सकते हैं, बड़े बनाना चाहें बड़े बना सकते हैं। ऑयल के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं।